का बस स्टैंड है, इसके ठीक सामने पार्किंग है। देखो आप देव पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हो। जेन्युइन रेट है, नहीं काफ़ी ज़्यादा रेट है, काफ़ी जेन्युइन रेट है। और अभी चलते हैं, अभी देख बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं हम। ये है बरेली बस स्टैंड, ये हमने यहाँ से एंट्री करी है और ये बस लगे दिख जाएंगे। मतलब अलग अलग टर्मिनल होते हैं इनके जहाँ से ये चलती है। तो अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी, तो हल्द्वानी की बसें सब आगे लगती हैं। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, देखो आगरा मथुरा, बाकी ये सामने रखा भी है, देखो काशीपुर। तो ये है अपने हल्द्वानी की बस, 3:30 घंटे का टाइम है, तो अभी 3 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक पहुँचेंगे हम वहाँ पर। तो लग ही जाते हैं 3:30 घंटा, रोड भी है, ट्रैफिक में भी है, और तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है शाम के समय, तो स्पेशली तो 3:30 घंटे लगेंगे। 3:30 बजे तक निकलेगी है, 3 बज गए फिलहाल अभी, 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे हम हल्द्वानी में। तो ऐसा कुछ बस स्टैंड है बरेली का। काला डूंगी 25 किलोमीटर और रामनगर 55 किलोमीटर है, मतलब रामनगर थोड़ा पहले ही जाना है, 10-12 किलोमीटर पहले ही है। तो ये सीधा प्राइवेट बस अड्डे जाएगी, ये वाली रोड सीधा प्राइवेट बस अड्डे, और ये सामने ही काला डूंगी चढ़ाया है, ऐसा को सीधा चलते चले जाना है। ये है यहाँ का प्राइवेट बस स्टैंड, ये लिखा हुआ है रामनगर, ये है प्राइवेट बस अड्डा। तो स्वागत है यार फिर से आपका अगले दिन में। तो फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ अपने होम टाउन में, और आज हम जा रहे हैं अपने ईष्ट देवता के दर्शन करने, जैसे सभी लोगों के होते हैं, आप लोगों के भी होंगे आपके गांव में। तो अब हम आ गए अपने ईष्ट देवता के दर्शन करने, तो अभी चलते हैं मंदिर, आपको भी दिखाते हैं। कल रात मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था, आपने देखा था वीडियो में, फिर रात को इतना मैंने बनाई नहीं वीडियो। अभी चलते हैं, आपको भी करवाते हैं दर्शन अपनी कुल देवी के। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हल्द्वानी रामनगर हाईवे, अभी G20 सम्मिट हुआ था उसके चक्कर में, आप देखो रोड कितनी बढ़िया कर दी है, अभी नई बनी है ये रोड। तो ये है हल्द्वानी और रामनगर हाईवे, बाकी ये हमें कच्चा जा रहा है, ऐसे मेन रास्ता तो दूसरा है मंदिर जाने का, सामने आपको मंदिर दिख जाएगा, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको सामने ही मंदिर है ये वाला। तो मेन रोड तो दूसरी है, मेन रोड से भी जा सकते हैं गाड़ी वगैरह से, बट फिलहाल हम जा रहे हैं अपने ऑथेंटिक रास्ते से जो कि हम पहले यूज़ करा करते थे, नहर की पटरी से। ये मेन रोड है, यहाँ से आप नीचे आ जाओ और थोड़ा यहाँ संभल के चलना पड़ता है थोड़ा। ये जो आप मेरे सामने जगह देख रहे हो काफ़ी मतलब मान्यता प्राप्त जगह है, पहले जो साधु संत थे वो यहाँ पे अपना समाधि वगैरह लिया करते थे, यहाँ पे ध्यान वगैरह लगाया करते थे। तो एक बार गांव के आदमी ने यहाँ पे मतलब सोचा कि इस ज़मीन को बेच देता हूँ, और फिर उसके साथ काफ़ी बुरा होने लग गया, फिर दोबारा से बने गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत ना, अगर आपको देखो सामने ये पत्थर की बनी हुई है ना, ये देखो ये काफ़ी मतलब मान्यता है इस जगह की, और जिसका ये खेत है उसने सोचा कि इसको हटा के और इस खेत को मतलब बेच देता हूँ, लेकिन फिर उसके परिवार में बहुत बुरा होने लग गया, और काफ़ी मतलब बुरा हुआ, उनके साथ गांव के थे हमारे, तो उसके बाद दोबारा से मतलब इसको ऐसे यहाँ पर छोड़ा गया और इस जगह को ऐसे छोड़ दिया गया। ऋषि मुनि जो थे यहाँ के उन्होंने यहाँ पर समाधि ले रखी थी, तो आपने एक देखा और भी है यहाँ पर। तो मंदिर के रास्ते में ही है, मतलब इधर से हम आ रहे हैं मंदिर, ये सामने आपको पेड़ दिख रहा हुआ ये मंदिर है, रास्ते में आपको देखिए यहाँ पर भी आप एक बार आप। तो ये है कुछ मंदिर का कैंपस, और ये कुटिया है,
जो यहाँ पे मतलब रहते हैं, जो देखभाल करते हैं मंदिर की, वो रहते हैं। और ये इस साइड है धुनी, जहाँ पे मतलब यज्ञ वगैरह होते हैं, तो ये उसके लिए कमरा यूज़ होता है। और बाकी ये मंदिर है। मतलब धुनी वगैरह लगते हैं, जो यज्ञ वगैरह होते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मतलब महिलाएं नहीं जाती इसके अंदर। बाकी यहाँ पे वो बैठते हैं बाबा, और यहाँ पे धुनी वगैरह लगती है। बाकी ये माँ का मंदिर है, मेन मंदिर जो है माँ का। बाकी शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे। कीर्तन वीर्तन कर लिया, कभी आ गया, कभी कोई महात्मा आ गया तो उन्हें चल यहाँ रैली कर दे। लोगों ने घर बना लिया, देखो पूरी बाउंड्री कर दी है मंदिर परिसर की। बहुत काफ़ी पुराना पेड़ है, मतलब आप देख रहे हो ना, हम बहुत छोटे छोटे जब इस पेड़ को देखा करते, काफ़ी छोटा पेड़ है ये। और ये मंदिर में ही मतलब ये दूसरा गेट है बाहर निकलने के लिए। और ये बजरंग बली जी हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिख जाएंगे अगर आप इस साइड से आओगे तो। बजरंग बली जी यहाँ पे विराजमान है। भाई सिंचाई विभाग ने से सिंचाई के लिए दे रखा है ये, जो खेतों में मतलब जो फसल वगैरह लगती हैं, तो ये जो ट्यूबवेल है सिंचाई के लिए है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है मतलब कितने टाइम से ये। और ये यहाँ पे देवी है, मतलब जब यहाँ पुजारण हुआ करती थी फीमेल लेडीज़, तो ये उनकी मड़ी है। मड़ी मतलब जो समाधि हो जाती है, मतलब तो समाधि बना दी गई थी यहाँ पे। तो आसपास का गांव है, मतलब दिखाया था ना हम यहाँ पे आए थे मंदिर में। तो ये तो वैसे मेन गेट तो आगे से है, मैंने अभी आपको दिखाया था उधर, कि हम यहाँ से आ गए थे तो यहीं से आते थे पहले, यही था मेन गेट। बाकी ऐसे कुछ आसपास गाँव है। अब चलते हैं घर की तरफ को, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।